हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए पूरा लास्ट तक। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है माजुली, ग्रीनलैंड, अंडोमान या होनसू। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है माजुली। माजुली दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। और माजुली का कुल क्षेत्रफल 352 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं बोर्नियो, जुजुन, होनसू या लुजुन। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है होनसू। दोस्तों, होनसू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,27,960 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन हैं अमेरिका, जापान, पाकिस्तान या भारत। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। इसका मतलब होता है कि दुनिया में सबसे लंबी सीमा किस देश का है। आपके सामने ऑप्शन हैं चीन, रूस, कनाडा या इंग्लैंड। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है कनाडा। दोस्तों, कनाडा पूरी दुनिया में सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश है। ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इधर है यूनाइटेड स्टेट्स और उधर है कनाडा। और आप इन दोनों देशों की बॉर्डर देखिए, और अगर इसको पूरी तरह से मेजर किया जाए तो इस बॉर्डर की टोटल लेंथ 8,891 किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी सीमा है। तो दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं नोरू, मार्शल द्वीप, वेटिकन सिटी या चिली। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। 2019 के एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के रिपोर्ट के अनुसार वेटिकन सिटी का टोटल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या 1,000 से भी कम है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। तो दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन ये है कि बीरबल की मृत्यु कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन हैं 1586 ईस्वी, 1505 ईस्वी, 1542 ईस्वी या 1508 ईस्वी। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 1586 ईस्वी। 1586 ईस्वी को ही बीरबल की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, हमारा सातवां क्वेश्चन ये है कि विश्व में कुल कितने देश हैं।
आपके सामने ऑप्शंस हैं 212, 195, 105 या 208। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 195। विश्व में कुल 195 देश हैं। तो दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1856 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1557 ईस्वी। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 1858 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों हमारा नौवां क्वेश्चन ये है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 6 अगस्त, 6 अक्टूबर, 2 अगस्त या 5 जनवरी। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 6 अगस्त। विश्व शांति दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। आपके सामने ऑप्शन है पांडिचेरी, सेंट्रल प्रोविंस, मैसूर या मद्रास। आंसर देने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सेंट्रल प्रोविंस। मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम सेंट्रल प्रोविंस था।